हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइलिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको 3.5 मीटर में से फुल हैवी सलवार सूट बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 3.5 मीटर कपड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा 3.5 मीटर कपड़ा है। इसमें से हम सलवार सूट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये हमने उल्टी साइड से इस तरह बिछा लिया है और इसमें हम शर्ट की लंबाई निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस सूट का मेज़रमेंट है जिसकी लंबाई 40 है और फिटिंग हमारी 18 है, वेस्ट हमारी 16 है और हिप हमारी 20 है। और इसका तीरा 6 कट करेंगे हम। फ्रंट का नेक भी इसका 6 है और बैक का भी 6 है। स्लीव्स इसकी 15 है और मुरी इसकी 10 है और हमारी साइड लेंथ इसकी 15 है। ये देखिए, ये हमारा सलवार का मेज़रमेंट है। सलवार के बारे में बाद में बताते हैं, पहले ये देखो शर्ट कटिंग करते हैं हम। ये देखिए, इसकी लेंथ 40 है तो हम 40 के हिसाब से शर्ट कटिंग करेंगे। और इसका पना हमारा बड़ा है। ये देखिए, 1.5 मीटर का हमारा पना है और हम इसकी लेंथ निकालेंगे। शर्ट की लेंथ हमारी 40 थी तो हम 3 इंच प्लस करेंगे। देखिए, 3 इंच प्लस करेंगे तो हम 43 इंच पे कट करेंगे। देखिए 43 इंच, ये देखिए मैं निशान लगाती हूँ। ये देखिए, यहाँ 43 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे ये, और यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने निशान लगाया और इस निशान से हम कट कर लेंगे। पीला चौक दे दे इस पर। ये कपड़ा हमारा, अब हमारे हिप 20 हैं। हिप 20 हैं, 20 में हम 4 इंच प्लस करेंगे। ये देखिए, जैसे हमारे हिप यहाँ पे 20 हैं तो हम 4 इंच इसमें प्लस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो, तो हम यहाँ पे 24 का मार्क लगाएंगे। ये देखो, अब हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये दोनों शर्ट के अगले पिछले पल्ले निकाल लिए हैं। अब हम इसको ऐसे बिठा के और इसको प्रेस करके अलग अलग सेट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों पल्ले इस तरह से सेट करके बिछा लिए हैं। ये फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल सिंपल शर्ट की जैसे हमने कटिंग करना अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, बिल्कुल सेम हम उसी तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने सिंपल शर्ट की तरह अपनी शर्ट कटिंग कर ली है और सिंपल शर्ट की कटिंग की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी सिंपल शर्ट की कटिंग आप देख सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको सलवार और स्लीव्स कटिंग करना सिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी इसमें स्लीव्स 15 हैं। ये देखिए का मेजरमेंट हम 2 इंच एक्स्ट्रा 17 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हम 17 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। ये देखिए, ये हम इसको सीधा कर लेते हैं निशान को और अभी हम ये सारा कपड़ा उतार लेंगे। देखिए, सब हमने ये अपनी स्लीव्स काट ली हैं और ये हमारी स्लीव के साइड में से फैब्रिक जो बच गया है। ये देखिए, हमने स्लीव्स का कपड़ा लेके बाकी फैब्रिक अलग कर दिया है। ये देखिए, अब हम कटिंग करते हैं सलवार। ये देखिए फ्रंट से ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। अब हमने शर्ट और स्लीव्स काटने के बाद ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक बच गया है। तो ये देखिए, हम इसको सारे को खोल के इस तरह से, ये देखिए, ये हम इसमें उल्टा फोल्ड कर लेंगे इसको इस तरीके से। ऐसे फोल्ड करके सारे को डबल फोल्ड कर लेना हमने। अगर हम सारे को डबल फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारा कपड़ा वेस्ट जाएगा और हमारी फुल हैवी सलवार नहीं बनेगी। ये देखिए, हमने सारे को इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, हमने सारे को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पर पहले तो जो हमारे गोटे होते हैं सलवार में उसका हम मार्क करेंगे। जैसे हमारी लेंथ 36 है सलवार की, मोहरी हमारी 6 है और बेल्ट हमारी 23 तैयार है। तो मोहरी हमारी 6 है तो इसमें हम
वन इंच प्लस करेंगे यानी सेवन इंच, सेवन इंच के हम गोड्डे लेंगे। देखो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया इस तरीके से, और सेवन इंच रखेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, सलवार की लेंथ हमारी 36 है, तो इसमें से हमें चार माइनस करने हैं। ये देखिए चार माइनस करेंगे तो हमारा 32 आएगा। हम 32 पे गुड्डे का निशान लगाएंगे। ये देखिए 36 माइनस 4 इंच इक्वल टू 32। तो ये देखिए हम 32 पे मार्क करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ये देखिए 32 पे यहाँ पे और 32 पे यहाँ पे, ये चीज़ का हमने मार्क करना है। और ये देखिए ये हमारा 7 इंच है, और हमने ये पोर्शन इस तरह से इसका कट कर देना है। गोड्डे हो गए, ये देखिए ये हमारे गोड्डे हो गए। अब हम इसे साइड में कर देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम ये भी उतार लेते हैं। ये देखिए ये भी हमने अलग कर दिया है। अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये फैब्रिक बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ से हम 32 का मार्क करेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और ये हमारा आसन होगा। ये आसन हमारा 8.5 है, यानी ये आसन हमारा कम पड़ रहा है, तो हम इसको पूरा करेंगे। पहले हमने लेंथ का मार्क लगाना है। ये हमारी लेंथ 32 है, 32 पे हमने 1.5 इंच लगा लिया, और सेम निशान हम दूसरी साइड बना। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भी 32 लगा के 1.5 का यहाँ पे क्रॉस बना के, और सेम ही हमने उधर से 32 पे लगा के, और इन दोनों निशानों का ऐसे मैच कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये दोनों पीस कट कर लिए हैं। हम एक दूसरे के इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसका आसन सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे आसन, ये देखिए ये हमारा आसन यहाँ पे 8 कुछ आ रहा है, तो हमें 10 इंच चाहिएगा। तो हमारा 10 इंच कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 10 इंच हमारा यहाँ यहाँ, ये देखिए ये 10 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से हम कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे आसन भी कट हो गया। और ये देखिए हमारा कितना घेर बना है, हमारे सिर्फ 2 मीटर सलवार में से हमारा फुल घेर निकल के आया है। ये देखिए, अब हम यहाँ से भी इसको ऐसे कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम काटेंगे बेल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो शर्ट की साइड में से निकला था ये वो पीस है, और ये हमारा स्लीव्स की साइड में से निकला था, और ये हमारा जो गोड्डों के ऊपर से निकला था ये वो पीस है। इनमें से हम बेल्ट करेंगे। ये देखिए हमारी बेल्ट की लेंथ 23 तैयार है, तो हम 24 कट करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, और ये हमारा 20.5 आ रहा है, तो हम इसमें जोड़ डाल लेंगे। ये देखिए हम इसे 7.5 इंच का कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की सूट काटने में या कुछ भी कटिंग करने में, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से, जो भी आपको डाउट होगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सलवार में जो आसन के टुकड़े बचे थे उसमें से हम ये जोड़ लगा लेते हैं। ये देखिए कि हमारा ये 20.5 पे आ रहा है, और हम ये चेक करते हैं कि इसके साथ हमारा पूरा हो जाएगा। हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, और इसको भी हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये देखिए
ये देखिए, ये हमारी बेल्ट भी कटिंग होगी। ये देखिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं, और ये हमारा फैब्रिक, ये नेक बनाने में और मूरी में लगाने के लिए ये कपड़ा हमारा बच गया है। ये देखिए, ये हमने बेल्ट काट लिया है, और ये देखिए, ये हमारी सलवार होगी है, ये कुंदे, ये हमारे गोड्डे, ये हमारी बेल्ट, और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जिसके लिए हम गला बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी शर्ट होगी है, ये हमारी शर्ट की, और ये हमारी स्लीव्स कटिंग होगी है। थैंक यू गाइस की वॉचिंग, बाय बाय।